नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। जैसे हम लोग को सबको पता है मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का सही तरीका क्या है, तो आज को मैं बैंक निफ्टी का 23 तारीख का चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, नॉर्मली ट्रेंडी मार्केट में तो कोई भी इंडिकेटर परफॉर्म कर जाता है, साइडवेज मार्केट में कैसे काम किया जाए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 3:30 बजे का बाद सबको पता चल जाता है जो आज को मार्केट साइडवेज था, लाइव मार्केट में आप कैसे समझेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लॉजिक को समझ के काम करेंगे तो आप जैसे ट्रेंडी मार्केट में पैसा बना भी सकते हैं, साइडवेज खराब मार्केट में लॉस से बच भी सकते हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों तरफ आप बैलेंसिंग रख पाए तब जाके एक मंथ एंड में अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, आज को मैं अभी पॉइंट में आ जाता हूँ। ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। अभी फर्स्ट कैंडल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं बहुत सारा वीडियो में बताता हूँ, ये मेरा ब्रेकआउट जोन है। अगर किसी दिन मार्केट ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन हुआ, जैसे ये जो आज का फर्स्ट कैंडल है ये फिल अप कैंडल है, फिल अप मतलब ये एक बेयरिश कैंडल है, राइट? तो इसका ओपनिंग ऊपर हुआ है, क्लोजिंग नीचे हुआ है, तो इसका जो ओपनिंग है ये ब्रेकआउट से काफी ऊपर है, तो उस लॉजिक पे आज को मार्केट नीचे गिरना चाहिए एज पर दिस लॉजिक। अगर मार्केट किसी दिन ब्रेकआउट जोन का ऊपर ओपन होता है उस दिन गैप थ्योरी काम करता है, और गैप थ्योरी के हिसाब से मार्केट गैप को फिलअप करना चाहता है, और वो फिलअप तभी हो पाएगा जब वो फर्स्ट कैंडल का लो को तोड़ के मार्केट गिरेगा। अब बहुत केस में ऐसा भी मैं बताया हूं जो ये फर्स्ट कैंडल का हाई को भी तोड़ के सेम डायरेक्शन पे भाग जाता है, तो दोनों तरफ ही हो सकता है। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो में मैं दो लाइन ड्रॉ कर लिया, अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, देखूंगा जो क्या हो रहा है। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। अभी जैसे देखिए, ये जो कैंडल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो कैंडल है इसने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ा, मतलब जो मेरा चांसेस में बता रहा था थोड़ा जो ऊपर भी जा सकता है, तो 9:30 बजे का जो कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल का हाई को तोड़ दिया। अब फर्स्ट कैंडल का हाई को जैसे ही तोड़ेगा आप सोच ही सकते हैं जो पिछले दिन से मेरा जो बाय का कॉल चल रहा है आज वो कॉल दोबारा कैरी ऑन करेगा। ऊपर में ग्रीन डॉटेड लाइन आपका रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट कितना जाएगा उसके लिए आपको नीचे का ब्रिक्स का तरफ ध्यान देना है। देखिए, ब्रिक्स का कलर ब्लू होने का मतलब, रेड होने का मतलब नेगेटिव तो है ही, बट अभी भी ये व्हाइट का ऊपर है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट को तोड़ के नीचे नहीं आ जाता है तब तक आप अपना पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 9:30 बजे का कैंडल पे एंट्री लेता हूँ, अभी ये 10:35 का कैंडल पे मुझे दिखाई दे रहा है जो ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये व्हाइट को तोड़ के नीचे आ गया। वो भले ही मुझे बहुत पहले से समझ में आ गया जो मार्केट में मोमेंटम नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रिक्स अगर कंटिन्यूअसली ब्लू रेड हो रहा है तो इसका मतलब है साइडवेज है, बट आप तब तक वेट कर सकते हैं जब तक ये व्हाइट को तोड़ना दे। तो देखिए, मैं 9:30 बजे एंट्री लिया, 10:35 पे मैं निकल गया, तो यहां पर मैं प्रॉफिट तो नहीं किया, बट यहां पर आप एक चीज फोकस कीजिए, आपको लॉस भी नहीं हो रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मार्केट में रैली नहीं है तो दिखेगा नहीं, बट इस टाइप का मार्केट में हम लोग अधिकतर लॉस खा जाते हैं। अगर इस तरीके का मार्केट में सॉफ्टवेयर को लॉस नहीं खिला रहा है तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव संकेत है। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर जैसे व्हाइट का नीचे आ गया इसका मतलब है अभी ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। नीचे का पट्टी भी देखिए देखते देखते रेड हो गया, बट अभी तक कोई कॉल बना नहीं है सेलिंग का, तो आपको यहाँ पे सेल का कॉल के लिए वेट करना है। जब तक कोई सेल का कॉल नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, ब्रिक्स वाला इंडिकेटर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, फाइनली जो चीज बोल रहा था यहाँ पर सेल का कॉल बन गया, तो ये आज का फर्स्ट सेल का कॉल है उसी सेम जगह पे जहां पर मार्केट ओपन हुआ है, और अभी भी मार्केट उसी जगह पे घूम रहा है, तो कोई मोमेंटम नहीं है, अभी तक कोई पैसा बना नहीं है, अभी ये सेल का कॉल बना। अब यहां पर हम लोग सोच ही सकते हैं जो मार्केट शायद नीचे गिरेगा, सिग्नल भी बन चुका है। अब मुझे कंडीशन देखना है, नीचे का रिबन रेड है, ब्रिक्स मेरा फेवर में है, बट यहां पर एक कंडीशन आना बाकी, वो है स्टार। जैसे हर एक सिग्नल का पहले स्टार बनता है, ये बाय का कॉल का पहले भी ग्रीन स्टार बना था, वैसे सेल का कॉल का साथ रेड स्टार बनना चाहिए, तो स्टार अभी तक बना नहीं है, कभी कभी स्टार बाद में भी आता है, तो मुझे स्टार के लिए वेट करना पड़ेगा। जहां पर स्टार आएगा वहां पर जाके आपका कॉल कंफर्म होगा। तो देखा जाए तो धीरे धीरे मार्केट साइडवेज कर गया, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, और फाइनली यहां पर बाय का कॉल दे दिया, कोई रेड स्टार बना नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेल का कॉल आपके लिए फॉल्स कॉल हो गया, तो मैं यहां पर ट्रेड किया ही नहीं। फाइनली देखिए, बाय का कॉल बना आपका 1:05 पे।
अभी जो बाएगा कॉल, इसमें ग्रीन स्टार दोबारा बनेगा नहीं, क्योंकि ग्रीन स्टार मेरा चल रहा है। मिडिल में अगर कोई रेड स्टार बनता तो ही ग्रीन स्टार बनता, नीचे का रिबन ग्रीन हो गया। ब्रिक्स देखिए व्हाइट का ऊपर ऑलरेडी चला गया है। अभी जो ब्लू कैंडल का हाई है इसको तोड़ने के बाद आप यहां पर बाय कर सकते हैं, और एंट्री लेने के बाद जैसे मैं बताता हूं जो नीचे का जो ब्रिक्स है उसका तरफ ही ध्यान दीजिए। जब तक ग्रीन है बहुत ही अच्छा पोजिशन है, और जब तक ये व्हाइट को तोड़ेगा नहीं तब तक आप पोजिशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक ब्रिक्स व्हाइट लाइन का ऊपर है आपका पोजिशन सिक्योर है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक अच्छा खासा रैली दिख गया बाइंग साइड में। तो कभी कभार क्या होता है, हम लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे काफी गुना ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। जहां पर हम लोग सोचते हैं प्रॉफिट नहीं मिलेगा वहां पर हम लोग ट्रेड नहीं लेते पैसा मिल जाता है। तो हमेशा ट्रेड जरूर बनाना चाहिए। जैसे आपको दिखाई देगा, देखिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर नीचे आया तो आपको पोजिशन को स्क्वायर अप करना है। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर में ये सबसे प्लस पॉइंट है, हम लोग का जो एग्जिट बहुत ही प्रोमिनेंट है। बहुत इंडिकेटर एंट्री तो दे देता है बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाता है। तो अल्टीमेट देखिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर जैसे ही व्हाइट का नीचे आया पोजिशन को छोड़ दिए। अभी देखिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर धीरे धीरे करके नीचे आ गया, फाइनली यहाँ पर सेल का कॉल भी बना, बट स्टार अभी तक बना नहीं है। स्टार एक बार आके चला गया था, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक कंफर्म नहीं है। तो देखते देखते 3:30 बज गया, सिग्नल बना यहाँ पर, स्टार बना यहाँ पर, इसका बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, स्टार भले यहाँ पर बना है बट ब्रिक्स ऑलरेडी एक रैली निकल दिया, तो ये खत्म होने का टाइम है। ये ऐसा नहीं है, बहुत टाइम क्या होता है मार्केट बहुत मूवमेंट कर जाता है, सॉरी मार्केट में मूवमेंटम नहीं होता बट ब्रिक्स मूवमेंट कर जाता है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बहुत टाइम आप इस चीज को नोटिस किए होंगे मेरे सॉफ्टवेयर पे, मार्केट में मूवमेंटम नहीं हो रहा है, मार्केट उसी सेम जगह पे घूम रहा है बट ब्रिक्स बहुत हलचल कर रहा है। इसका मतलब है वहां पर आपका मोमेंटम नहीं क्रिएट हो रहा है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू सो मच, और मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।